सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वॉइस ऑफ अमेरिका को टाइम दिया. आपने पहले कभी मीडिया से बात की है? नहीं, मैंने पहली दफ़ा ही की. पहली दफ़ा, मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी थी. कभी ऐसे हालात नहीं होते थे. सारी ज़िंदगी कभी ऐसे हालात नहीं देखे. ये बताइए कि आपको ये इल्म है कि कल जब वो लाहौर से ही उनको जेल ले जाया जाए, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? जेल में ले जाया जाए तो ले जाए, लेकिन मैं साथ जाऊँ. लेकिन मैं साथ जाऊँगी. फिर जेल में नवाज़ साहब हैं, सफदर हैं, मरियम हैं. अगर इनको ले जाएंगे तो मैं साथ चली जाऊँगी. मैं उस तरह नहीं रहूँगी, मैं साथ जाऊँ. आपके बारे में ये कहा जा रहा था कि आप कल एयरपोर्ट भी जाना चाहती हैं उन्हें लेने. मैं जाऊँगी, हाँ. चाहे मुझे तकलीफ भी है, इन लोगों ने, जिन लोगों ने मुझे परेशान कर दिया अपने बच्चों की वजह से, तो मैं ऐसे होती हूँ जैसे बीमार हूँ. लेकिन मैं जाऊँगी, साथ में जाऊँगी. अब मैं आगे क्या क्या कह सकती हूँ. और ये लोग बस पीछे पड़ गए. इसके एक नवाज ही रह गए इन लोगों को पीछे पड़ने में. वो बर्दाश्त नहीं कर सके. ये जो इतने सारे इल्ज़ाम लगते हैं, हाँ, कि पैसा खाया है, हाँ, करप्शन की है, हाँ, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखो, ना इन्होंने पैसा खाया ना करप्शन निकली. जब ये पहले जब ये एक दफ़ा वज़ीर आज़म बनता रहा ना, तो उनके थे बाप ने कभी उधर इधर का सरकारी खाना नहीं खाने थे. वो हर माह उसकी खर्चे की माहवार खर्चा उसका अपने घर से बाप भेजता था. आपको क्या लगता है, लोग पूछते हैं कि अगर ये कोई पैसा नहीं खाया तो अदालत में क्यों साबित नहीं कर पाए? वो जिन जो दुश्मन लगे होंगे पीछे इल्ज़ाम लगाने के लिए, ये झूठे इल्ज़ाम लग रहे हैं. फिर साबित क्यों नहीं होते, ये झूठे लगा रहे हैं. अच्छा, कुलसूम नवाज साहिबा से कैसे ताल्लुकात हैं नवाज शरीफ साहब? बहुत अच्छे. कभी झगड़े नहीं हुए. और बीवी भी फरमाबरदार थी और खामद भी नेक था, हर बात को पूरा करने वाला था. बहुत बहुत शुक्रिया आपकी, बड़ी मेहरबानी. बहुत शुक्रिया आपका.